मंदिर चलो। गणेश जी का टेम्पल है, काली माँ का टेम्पल है, और ये सारा जो है शिव जी का टेम्पल है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सौरभ सुभदा प्रधान। हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। आज संक्रांति है, इसलिए सुबह सुबह हम आए हैं मंदिर में। ये माँ करुणामयी का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। इसका नज़ारा बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे 13 शिवलिंग है, 13 शिवलिंग, एक एक मंदिर है शिव जी का, एक एक मंदिर है, हर मंदिर में एक एक शिवलिंग है। बहुत ही अच्छा मंदिर है। विंटर सीजन में ये बहुत अच्छा, इसका नज़ारा और भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अभी तो गर्मी का मौसम है इसलिए ज़्यादा फूल नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब भी मैं विंटर सीजन में आऊँगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसका नज़ारा। यहाँ पे देखिए सौरभ, मम्मा चलिए वो उस तरफ चलता है, उस तरफ चलते हैं। चलो ससांग जी बैठे हैं गणेश जी के मंदिर पर, ससांग जी बैठे हैं और हम दोनों अभी शिव जी के मंदिर तरफ आ रहे हैं। कल माँ के पास पूजा हो गया है, अभी हमारा अभी शिव जी के मंदिर के पास हम ऐसे करके 13 शिवलिंग है, एक एक छोटा छोटा मंदिर है, ये सारा शिवलिंग शिव जी का मंदिर है। देखिए और बहुत सारा कोबरा है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा बेल का पेड़ है, बहुत बड़ा बड़ा बेल हुआ है यहाँ पे। और मैं दिखा रही हूँ आपको जैसे करके, जैसे छोटा छोटा बहुत सारा शिव जी का मंदिर है यहाँ पर। ये रो में जितना सारा मंदिर दिखाई दे रहा है सब सब शिव जी का है, और उधर जो छोटा छोटा मंदिर दिखाई दे रहा है ऐसे करके 5-6 मंदिर वहाँ पे भी है, शिवलिंग भी वहाँ पे है। इतना मंदिर के आंगन में कितना ब्यूटीफुल फ्लावर हुआ है। ये बहुत अच्छा लगता है शाम के वक्त तो और भी अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने के लिए आके। कभी कभी ससांग जी में और सौरभ आ जाते हैं यहाँ पे बैठने के लिए शाम को। ये गर्मी के मौसम में शाम में बहुत अच्छा लगता है। देखिए मंदिर कितना अच्छा मंदिर, फूल का मंदिर है। इधर जा रहे हो बाबा? इधर जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? अच्छा लगा आज मंदिर में घूम के? हाँ, लेकिन गर्मी भी बहुत है। अभी चले जाएंगे। देखिए सौरभ को गर्मी लग रहा है इसलिए आके बैठ गया है गणेश जी के मंदिर में। बाबा आप गणेश जी को नमक किए हो? अरे सॉरी। जाओ पहले नमक करना चाहिए ना आपको, चलो जाओ नमक करो। क्या मांगे गणेश जी से? बाबा गणेश जी से क्या मांगे आप? सौरभ क्या मांगे आप गणेश जी से?
देखिए मैं दूर से माँ को दिखा रही हूँ, यही माँ करुणा मई। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए मैं दूर से जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। काली माँ है, लिंगल में तो ज़्यादातर काली माँ की पूजा ही होता है। स्पेशली ये मंदिर काली माँ के लिए, काली माँ के आंगन में इतने सारे शिवलिंग शिव जी का मंदिर है। शाम में आरती के टाइम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी हमारा पूजा हो गया, सुबह सुबह पूजा करने से मंदिर आने से बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे भी आज संक्रांति है, संक्रांति के दिन मंदिर आके बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी सत्संग जी और सौरभ भी मार्केट की तरफ चले गए हैं, मैं अभी जा रही हूँ मार्केट में क्योंकि आज संडे है, संडे में कुछ। देखिए मैं अभी फ्लावर मार्केट में आ गई हूँ और यहाँ पर फ्लावर भी मिलता है, तेजी से मिलता है। ये देखिए छोटा छोटा पौधा है घर में लगाने के लिए, कितना सारा फूल का हार है यहाँ पे, भी फूल का हार बेच रहे हैं सब। यहाँ पर भी आप देखेंगे ये सब फूल का मार्केट है। ये कितना बड़ा बड़ा हार है, और एक आंटी भी बेच रहे हैं फूल, कितना सुंदर हुआ है देखिए। ये गजरा, ये सब गजरा है, कितना सुंदर गजरा हुआ है देखिए। ये सब समंदर बहुत अच्छा लगता है फूल की मार्केट में आने के लिए, यहाँ पे आने से ना बहुत अच्छा खुशबू मिलता है। मैं और एक चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ, फूल के मार्केट के पास और एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर देखिए हनुमान जी का वहाँ प्रतिमा है और यहाँ पर राधा कृष्ण जी का प्रतिमा है। जैसे करके कोलकाता में आप सोच जाते हैं तो भी जाएंगे वहाँ पर छोटा 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 एक मंदिर आपको दिखाई देगा। के पास में और एक काली माँ का कितना सुंदर प्रतिमा है यहाँ पर। भेजी मार्केट में आ गई हूँ और देखती हूँ सत्संग जी और सौरभ किधर गए, मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा उनको। संडे का मार्केट है ना, इसलिए आज बहुत भीड़ है यहाँ पर। पता नहीं दोनों कहाँ चले गए, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं दोनों। अभी हम आपके घर पहुंच गए हैं, देखिए ज़्यादा धूप नहीं है फिर भी बहुत गर्मी हो रहा है। देखिए मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और आज बहुत लेट हो गया है इसलिए मैं और कुछ नहीं बनाई हूँ, बस ये मिठाई बना रही हूँ आज। उस यही हमारा ब्रेकफास्ट और ससंग जी उधर जो भेजी जो हम लोग लेके आए थे मार्केट से उसको ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं, और सौरभ रोज की तरह बिजी है उसके काम में, मतलब वो ही मोबाइल देख रहा है बैठ के। मैं अभी उसको डांट रही थी जाके थोड़ा सा पढ़ाई करो, लेकिन वो सुन नहीं रहा है, संडे है ना, पापा घर में है इसलिए बहुत बदमाशी कर रहा है वो। सो गाइस अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना के फिर ब्रेकफास्ट करके मैं आपको उनके साथ बात करती हूँ। अब
अभी मैं लंच बना रही हूँ और गर्मी के वजह से हालत ख़राब हो जा रहा है। और देखिए मैं राइस बना ली हूँ और यहाँ पे डालमा भी बन के तैयार हो गया है। देखिए ये हमारा उड़ीसा स्पेशल डालमा, संक्रांति में हम लोग ऐसे ही डालमा बनाते हैं। और देसी घी में मैं तड़का लगाई हूँ इसको। और यहाँ पे देखिए बीन्स और आलू का भाजी बनाई हूँ। यहाँ पे साग को मैं क्लीन करके रखी हूँ और यहाँ पे ग्रेटेड कोकोनट यूज़ करके मैं साग का भाजी बनाऊँगी। और यहाँ पे रॉ मैंगो को कट करके रखी हूँ, दो बड़ा साइज़ का रॉ मैंगो लेके मैं आज आम का चटनी बनाऊँगी। और क्या बनाऊँगी अभी तक मैं डिसाइड नहीं की हूँ। आम का चटनी बनाने के लिए करी पत्ता का ज़रूरत पड़ गया, घर में नहीं था इसलिए मैं सौरभ को भेजी थी। हमारे बिल्डिंग के नीचे करी पत्ता का प्लांट है, मैं भेजी थी उसको लाने के लिए। देखिए कितना बड़ा लेके दो पत्ता लेने के लिए मैं भेजी थी, देखिए कितना बड़ा लेके आ गया है वो। अभी मैं आम का चटनी बनाऊंगी, लेकिन आज तो सौरभ बहुत दुखी है क्योंकि आज तो संडे है, संडे के दिन उसको नॉनवेज ही चाहिए होता है, लेकिन आज संक्रांति की वजह से सारा वेज आइटम बन रहा है, वेज खाना बन रहा है, इसलिए सौरभ बहुत दुखी है, बोल रहा है कि मामा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आज, इसलिए उसका मन पसंदीदा चीज़ मैं बना रही हूँ। इतना सारा आम का चटनी तो हम एक साथ नहीं खा पाएंगे, लेकिन इसको मैं बना के फ्रीज में रख दूँगी और वो आराम से 5-6 दिन तक वो रह सकता है, इसलिए मैं एक साथ बड़ा साइज़ दो आम मैंगो में लेके आई थी, उसका मैं अभी चटनी बना रही हूँ। बस नमक हल्दी तड़का लगा के नमक हल्दी में ऐड करती हूँ, बाद में जब ये थोड़ा सा गल जाएगा मैंगो उसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। बस सिंपल सा रेसिपी है, इसमें कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। क्या कर रहे हो बाबा? ये मेरा इनकम्प्लीट हाउस है, इसका हालत रूप गिर जा रहा है और मुझे ब्लू टेप चाहिए। ब्लू टेप चाहिए आपको? कम्प्लीट करने के लिए। दिखाओ आपका घर, दिखाओ। देखिए सौरभ घर बनाया है, DIY हाउस। क्या केनल जैसा दिख रहा है? एक डॉग का केनल है? नहीं ये घर ही है। देखो फिर से टूट गया वो जो ब्लू टेप खत्म होने का जा रहा है, अगर वो खत्म हो जाए तो इनविजिबल टेप जो है ना दिखाई नहीं देगा तो उतार देंगे। बस इसका नीचे वाला बेस और ये साइड बेस भी चाहिए। साइड बेस। अरे सौरभ आज ड्रेस पे ना दिखाओ आपका ड्रेस दिखाओ, ये क्या है डायनासोर वाला ड्रेस? हाँ ये इग्वानोडॉन और ये स्टेगोसोरस, इनमें टीरेक्स और ट्राइसरेटॉप्स थे, खो गए। हाँ आपको संभाल के रखना चाहिए था ना। हाँ मुझे आवश्यकता है। अभी मैं इसमें शुगर ऐड कर ली हूँ, थोड़ा सा गल गया है, शुगर ऐड कर देने से और 5-10 मिनट्स में उसको कवर कर दूंगी, कवर कर देने से हो जाए। देखिए हमारा आम का चटनी, रसीला आम का चटनी अभी बन के तैयार हो गया है। मैं अभी उसमें थोड़ा सा बना हुआ लाल मिर्च और जीरा का पाउडर ऐड कर दूंगी, बस फ्लेवर के लिए और कुछ नहीं। उसमें राइस करके फिर उसमें बीच में डालमा को दे देना है, ठीक है? गांव में जब दावत होता है ना ऐसे ही लोग खाते। सुबह हमारा ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था इसलिए बहुत तेज भूख लग रहा है। देखिए शशांक जी सब कुछ सब। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए और आप लोग भी संक्रांति स्पेशल लंच को एंजॉय कीजिए। आज का ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबा आ जाओ उधर, फिर क्यों जाके बैठ के खाना खाने के बाद ना खाना खाने के टाइम क्यों बंद हो जाएगा? तो पॉज है, खाने के बाद सोना है, सोने के सो के उठने के बाद फिर देखना।